स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम बेंजाइन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या है बेंजाइन का। ठीक है, बेंजाइन क्या होते हैं? बेंजाइन बेसिकली जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। उनमें जब एरोमेटिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? बेंजाइन कहलाता है। बेसिकली ये जो है जनरल अगर इसे कहें तो एरेंज कहलाता है, और स्पेसिफाई अगर हम करें तो ये क्या कहलाता है? बेंजाइन। बेंजाइन कैसे? बेंजीन आपको पता है, बेंजीन एक जो है एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, इसमें क्या होता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ठीक है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में जो है वो डीलोकलाइज होते रहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि ये जो बेंजीन है ये तो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, पर इस एरोमेटिक कंपाउंड में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखें तो ये तीन बॉन्ड है, या फिर कहे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है एक एरोमेटिक कंपाउंड में। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये बेंजाइन है, और ये जो है इंटरमीडिएट का काम करती है। बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट का काम करती है। इसके अलावा बेंजाइन बनता कैसे है? तो यहाँ पे आप जो बेंजीन देखते हैं, हमें पता है कि बेंजीन में जो है यहाँ पे हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, बेंजाइन का ये जो नेक्स्ट बॉन्ड बनता है ये किस वजह से बनता है? दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं। जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है उसमें से दो हाइड्रोजन अगर माइनस करते हैं हम, तो वहां पे हमारे पास जो है वो बेंजाइन बनता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को, यानी कि जो बेंजीन में से अगर दो हाइड्रोजन निकाल दे तो उसे डीहाइड्रोबेंजीन भी कहते हैं। तो बेंजाइन को आप जो है वो डीहाइड्रोबेंजीन भी कहते है। ठीक है, सिंपल सा है। बेंजीन में से दो हाइड्रोजन निकाल दो यहाँ से तो एक बॉन्ड बनता है यहाँ पे, और ये आपकी स्ट्रक्चर जो है बेंजाइन कहलाती है, और उसे भी हाइड्रोबेंजीन भी कहते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पे है कि जो बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है उस वजह से ये बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है बेंजाइन की, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन स्ट्रक्चर होती है, बहुत ज्यादा तनावयुक्त स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, नॉर्मली जो बेंजीन होता है, जो नॉर्मल बेंजीन होता है वो तो क्या होती है, वो स्ट्रक्चर स्ट्रेन नहीं होती है, पर यहाँ पे जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन हो जाती है, बहुत ज्यादा इसमें तनाव होता है। क्योंकि नॉर्मल बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो तो क्या होता है, हेक्सागनल शेप होता है। ठीक है, नॉर्मल बेंजीन का स्ट्रक्चर तो हेक्सागनल होता है, हेक्सागनल स्ट्रक्चर होती है, और जैसे ही यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाता है तो अब इस बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागनल नहीं रहती, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है उसमें स्ट्रेन आने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो बेंजीन की हेक्सागनल स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रेन आने की वजह से, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाने की वजह से, यहाँ पे स्ट्रेन आ जाने की वजह से डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो इसे हम डिस्टॉर्टेड एसिटिलीन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसे कि डिस्टॉर्टेड एसिटिलीन टाइप जो है वो स्ट्रक्चर होती है बेंजाइन की। एसिटिलीन क्या होता है? एसिटिलीन ये तो होता है, ठीक है, एसिटिलीन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे भी ये देखे तो क्या है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये तो प्लेनर है, यहाँ पे तो प्लेनर है, पर हम कह रहे हैं कि बेंजीन वैसे तो प्लेनर थी पर एक बॉन्ड बनने की वजह से स्ट्रेन आ गया इसमें, और ये अब जो है प्लेनर नहीं रही, ये डिस्टॉर्ट हो चुकी है स्ट्रक्चर पूरी तरह से। तो ये डिस्टॉर्टेड एसिटिलीन टाइप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ओके, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे जो न्यू बॉन्ड बनता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से बनता है। ठीक है, नॉर्मली जो है जैसे ये एसिटिलीन है इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, पर इसमें क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से बना हुआ है बॉन्ड। नॉर्मली क्या होता है, देखो बेंजीन में क्या होता है, नॉर्मली बेंजीन में क्या होता है, हर कार्बन बेंजीन में जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, हर कार्बन जो है बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हर कार्बन, यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही एक हाइड्रोजन निकलता है, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था, डीहाइड्रोजनीकरण के कारण जो क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन दोनों जगह से निकल गया, तो ये ऑर्बिटल हमारा क्या हो गया, ये वाला ऑर्बिटल हमारा फ्री हो गया है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये अपना जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, यहाँ से साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है।
ठीक है। अब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग नॉर्मली कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल ही पैरेलल होनी चाहिए, तब इनमें ओवरलैपिंग होगी, तब इनमें ओवरलैपिंग होगी। ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल ही जो है दूसरे के पैरेलल तो नहीं होते हैं, पर फिर भी इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। जैसे नॉर्मल एसिटिलीन में ओवरलैपिंग इस तरह से होती है, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल है और इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, जिस वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। पर बेंजीन में ये क्या होते हैं, ऑर्बिटल बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है, इस वजह से इनमें ओवरलैपिंग कम होती है। और पैरेलल नहीं होने की वजह से भी जो है ये जो एसिड ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, इसकी स्ट्रक्चर जो है डिस्टॉर्ट होती है और स्ट्रेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये सिस्टम समझ में आ गया, बेंजीन किस तरह से होता है, बेंजीन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। ओके, तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि बेंजीन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन किस किस तरह से होता है, बेंजीन आप बना कैसे सकते हैं, बनाने की जो विधियां हैं वो देखते हैं। तो पहली विधि है बेंजीन बनाने की रिएक्शन ऑफ बेस ऑन एराइल हैलाइड। ये आपका क्या है, NH2Me जो है यहाँ पे एक बेस है, एराइल हैलाइड, ठीक है। ये बेंजीन पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमाइड लगा हुआ है, तो ये क्या है हमारा एक तरह का एराइल हैलाइड, ठीक है, एक तरह का एराइल हैलाइड कंपाउंड है। तो ये हम कह रहे हैं कि एराइल हैलाइड पे किसी बेस की रिएक्शन करा के हम बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, बेस का क्या काम क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ से जो है, यहाँ से ये वाला प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये वाला, ठीक है। अब ये वाला प्रोटॉन जैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन जो है वो निकल जाएगा। तो फाइनली आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा बेंजीन, क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, अगर आप रिएक्शन करवाते हैं किसकी, इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं आप NaNO2 और HCl के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, एंथ्रोलिनिक एसिड कहेंगे हम इसे, क्या करवाते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एंथ्रोलिनिक एसिड कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड लिया, इसका फिर आपको क्या बनाना है, एंथ्रोलिनिक एसिड। जैसे ये NO2 और HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये NH2 कन्वर्ट हो N2+ में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये रहता है यहाँ पे, ये तो एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड में क्या होगा, प्रोटॉन निकल जाता है एसिड, इस तरह से, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो माइनस चार्ज है ये इधर शिफ्ट होगा, ओके। नेक्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे, अब इसको हीट करेंगे, तो ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, ये सिंगल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से जो है N2 निकाल जाएगा। तो यहाँ से भी आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका बेंजीन, क्लियर है, ओके। स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में ये NH2 जो है N2+ में कन्वर्ट हो जाता है। COOH क्या है, एक एसिडिक ग्रुप है जिसमें प्रोटॉन तो निकल जाता है, तो यहाँ माइनस चार्ज रहता है, फिर यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ से ये शिफ्ट होगा माइनस चार्ज इधर, यहाँ से ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा और यहाँ से ये N2 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक तो CO2 निकल गया, यहाँ से एक N2 निकल गया थर्मल डिकम्पोजिशन से। तो फाइनली आपका बना क्या है, यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन किस किस तरह की रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम बेंजीन की रिएक्शन देता है डाइमराइजेशन ऑफ बाइफिनाइल, जो बाइफिनाइलिन है, बाइफिनाइलिन, ठीक है, यहाँ पे बाइफिनाइल नहीं कह रहे, बाइफिनाइलिन कहेंगे क्योंकि यहाँ पे बेंजीन की बात कर रहा है, ठीक है। तो बाइफिनाइलिन के द्विलेखीकरण द्वारा भी हम जो है इसकी रिएक्शन होती है। तो अगर दो बेंजीन लेते हैं आप, क्या दो बेंजीन लेते हैं आप, ये बेंजीन आपका, ठीक है, दो बेंजीन लेते हैं, तो वो दोनों बेंजीन जो है आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करके जो है नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट टू इस तरह से लिखा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये बेंजीन है और इसकी रिएक्शन नेक्स्ट बेंजीन के साथ कर रहे हैं इन्होंने, ठीक है, ये तो यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यानी कि इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, और ये जो है बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यानी कि इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, और ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है वो इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये रिएक्ट करता है, तो ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर,
ओके तो ये बना बाई फिनाइलिन, क्लियर। चलो तो ये तो थी फर्स्ट रिएक्शन कि बाय बेंजाइन से किस तरह से रिएक्शन करवाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। दूसरे टाइप के रिएक्शन जो है वो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है बेंजीन पर किस तरह से रिएक्ट करता है। तो यहाँ से यहाँ इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है OH- होगा, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे H+ जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा बॉन्ड, ये तो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कहाँ करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चाहिए। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाता है। इसको नीचे शिफ्ट करो या ऊपर शिफ्ट करो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, सेम ही है। तो ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा ये वाला OH जो है यहाँ पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे अटैक करके ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, यहाँ आ गया माइनस चार्ज क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, और यहाँ आ गया OH, ओके। और फाइनली जो H+ था हमारे रिएक्शन मिक्सचर में वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनती है, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो है NH3 में भी क्या होता है, NH2 बेस की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम होता है, ठीक है। और यहाँ पे H+ निकलता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी सेम होगा, आप इसको नीचे शिफ्ट करो या ऊपर शिफ्ट करो। तो नीचे अगर शिफ्ट किया है या ऊपर अगर शिफ्ट किया, मान लो कि मैंने किया ऊपर शिफ्ट, ठीक है, ये ऊपर शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये जाके कहाँ अटैक करेगा, सीधा इसके प्लस चार्ज पर अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा यहाँ से NH2 जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो माइनस चार्ज आया था बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से, वहां पे जाके प्रोटॉन जुड़ जाता है, क्लियर। तो ये यहाँ पे जाके प्रोटॉन जुड़ जाता है। तो इस तरह से जो है न्यूक्लियोफाइल के एडिशन द्वारा भी बेंजाइन की रिएक्शन पॉसिबल है, ओके। तो ये था बेंजाइन के बारे में कि बेंजाइन क्या होता है, उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और बेंजाइन किस किस तरह की रिएक्शन देता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नाइट्रीन्स, ओके। तो नाइट्रीन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आप देखिए, तो पहला है कि नाइट्रीन एक तो न्यूट्रल स्पीशीज है। आप ये देखो इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप या कोई भी रिएजेंट या कोई भी ग्रुप या एटम या जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक तो है ये न्यूट्रल स्पीशीज है, यहाँ पे नाइट्रीन पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, सेंट्रल जो नाइट्रोजन एटम होता है, नाइट्रोजन एटम यहाँ सेंट्रल है, उसमें क्या होता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, दो लोन पेयर होते हैं। देखो ये जो है किसी आगे वाले ग्रुप के साथ एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और दो इसके पास जो है वो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो आप कहोगे कि नाइट्रोजन के तो आउटर मोस्ट में 5 ही होते हैं, बिल्कुल सही है, 5 ही होते हैं, पर यहाँ पे इसने आगे एक ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्ड बना रखा है, जिस वजह से 2, 3, 4, 5 तो इसके है, पर इसने दूसरे से भी एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना रखा है। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए, 6 हो गए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नाइट्रीन में जो है आउटर मोस्ट में 6 पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 6 होते हैं पर 8 तो नहीं होते ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि नाइट्रीन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से आप कह सकते हो कि नाइट्रीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। नाइट्रीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑब्वियसली बात है, इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए होंगे अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो इस वजह से ये क्या करेगा, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहां पे जाके अटैक कर देगा। तो इस वजह से इसे क्या कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रीन्स जो है उनका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से था, इनके सारे पॉइंट हमने देख लिए, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसका भी नाइट्रीन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो नाइट्रीन का फॉर्मेशन बेसिकली आप जब हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करने पर फॉर्मेशन इसका इजीली हो जाता है। जो एजाइड्स होते हैं, ये क्या है, एजाइड्स है। तो एजाइड को जब आप हीट करेंगे, ताप देंगे, तो इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और यहाँ से जो है वो नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से क्या निकलता है, एक N2 निकल जाता है इस तरह से, और ये जो है नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। अगेन जो इसमें भी है वो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है और N2 निकल जाता है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि ये नाइट्रीन जो है किस किस तरह की रिएक्शन हमें देता है, ओके। तो रिएक्शन यहाँ पे किस किस तरह की होती है, तो पहली रिएक्शन है अगेन डाइमराइजेशन रिएक्शन होती है।
अगर आप दो नाइट्रीन ले लें, मैं अगर इसको इस तरह से लिख लूँ कि दो नाइट्रीन अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, ये दो नाइट्रीन अगर आप ले लें, पास पास रख देते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या करता है, द्विलकीकरण की अभिक्रिया करता है, ठीक है, और जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख लेती हूँ, ये है हमारे दो इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, द्विलकीकरण हो जाएगा, तो नाइट्रीन भी जो है बेंजाइन की तरह द्विलकीकरण अभिक्रिया देते हैं, दोनों पे एक एक लोन पे रफी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, द्विलकीकरण की अभिक्रिया देते हैं। नेक्स्ट है कि हॉफमन ब्रोमाइड हॉफमन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी देते हैं। हॉफमन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन के लिए क्या क्या होता है, यहाँ पे एसिटामाइड की रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे एक मिनट इसको लिख लेते हैं हम, ये KOH हो जाएगा 2KBr और हो जाएगा K2CO3, ठीक है, तो एसिटामाइड की रिएक्शन जब Br2 के साथ कराते हैं 4KOH की प्रेजेंस में, यानी कि बेस की प्रेजेंस में, बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है बेस की प्रेजेंस में जो है एसिटामाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, तो हमें प्राइमरी एमीन मिलता है, क्या मिलता है, प्राइमरी एमीन मिलता है, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, मिथाइल एमीन इस रिएक्शन में, ठीक है, दो KBr के अणु मिलेंगे और एक K2CO3 और दो जो है H2O के अणु यहाँ से रिलीज होते हैं, तो बेसिकली हमें क्या बताना है यहाँ पे कि एसिटामाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराने पर बेस की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें प्राइमरी एमीन मिलता है, ये सारे तो साइड प्रोडक्ट है, ठीक है, मेन हमारा काम क्या है ये, तो यहाँ पे प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे अब इसका जो है वो मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से है, तो सबसे पहले क्या होता है मैकेनिज्म में, पहले सबसे पहले यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो देखो CH3 C OH NH यही था एसिटामाइड, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवानी है हमें Br2 के साथ, ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है Br2 यहाँ पे इस तरह से अगर आप देखें तो Br2 भी किस तरह से प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जैसे ये Br, ठीक है, अब ये मान लो इस तरह से है, तो यहाँ पे रहेगा माइनस चार्ज, यहाँ पे रहेगा प्लस चार्ज, तो ये जो माइनस चार्ज वाला है ना ये यहाँ से एक हाइड्रोजन देके निकलेगा, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे ही इधर शिफ्ट होंगे तो क्या बना देगा ये, यहाँ पे ये प्लस वाला है और इस पे माइनस आया तो यहाँ पे जाके ब्रोमाइड जुड़ जाता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहता है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये क्या कहलाती है, एन ब्रोमो एसिटामाइड, एन ब्रोमो नाइट्रोजन पे ब्रोमाइड है तो एन ब्रोमो एसिटामाइड रिएक्शन जो है वो इंटरमीडिएट बना है यहाँ पे, पहला इंटरमीडिएट, दूसरा अगेन यही स्ट्रक्चर जो लेते हैं सेकेंड में, तो ये हमारा जो हम क्या लेंगे यहाँ पे एन ब्रोमो एसिटामाइड लेंगे, ये एन ब्रोमो एसिटामाइड लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे अगेन क्या होता है कि किसी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो प्रोटॉन तो निकालना ही है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से ये प्रोटॉन निकलेगा, जैसे ही यहाँ से ये प्रोटॉन निकलेगा यहाँ से भी एक ब्रोमाइड जो है वो निकल जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे HBr, ये H भी निकला Br भी निकला मिलके बना देते हैं HBr, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे फिर क्या होता है C(OH)N यहाँ पे होता है हमारा नाइट्रीन का फॉर्मेशन, देखो एक तो यहाँ पे ऑलरेडी था, ठीक है, एक तो यहाँ पे ऑलरेडी ये भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया और ब्रोमाइड भी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ठीक है, तो ये बना देता है नाइट्रीन, ओके, चलो पूरा नाम कहें इसे तो एसिटाइल नाइट्रीन, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अभी यहाँ पे स्टेप में कि ये जो CH3 है यहाँ पे पुनर्विन्यास होगा,
ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो CH3 है वो इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो स्टेप है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ये स्टेप हमारा कहलाता है हॉफमैन रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, चलो तो ये बन जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या लग जाता है, यहाँ पे CH3। ओके, और ये बन जाता है C11O। तो ये बना हमारा क्या, ये बना हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, ये हमारा मेन स्टेप था, ये हॉफमैन पुनर्विन्यास कहलाता है। लास्ट में क्या बनाएंगे हम, जो ये मिथाइल आइसोसाइनेट बना है ना, ये जो है वो रिएक्ट करेगा 2KOH के साथ रिएक्ट करके, फाइनली हमें जो है वो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करवा देता है और यहाँ से K2CO3 निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये OH है इस कार्बन पे रिएक्ट करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। तो फाइनली ये जो है मिथाइल आइसोसाइनेट हमारा KOH के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर देता। तो ये पूरा मैकेनिज्म था कि किस तरह से जो है हॉफमैन हाइपरब्रोमाइड रिएक्शन जो है वो होती है। क्लियर, ओके। तो ये था बेंजाइन और नाइट्रीन के बारे में कंप्लीट। तो यहाँ पे आके आपकी पूरी जो है वो रिएक्शन कंप्लीट होती है, सॉरी इंटरमीडिएट सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ओके, थैंक यू।